नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम तहरी बनाना आपको बताएंगे, जो बहुत कम मटेरियल में कम समय में आप तहरी बनाकर खा सकती हैं। तो इसके लिए हमने एक गिलास चावल को भिगो दिया था 10 मिनट पहले, इसे अच्छी तरह से भी धो लिया है, और हमने घी ले लिया है, देसी घी, एक टमाटर, एक प्याज, शिमला मिर्चा, 4 आलू, सोयाबीन को हमने फुलाकर इसे पानी निचोड़ लिया है, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और गरम मसाला, हरा मिर्चा, अदरक, लहसुन और जीरा। उसके बाद हम गैस को जला लेते हैं और इसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम घी डाल देते हैं, घी गरम हो जाएगा, उसके बाद हम जीरा, लहसुन, अदरक और मिर्चा, उसके बाद शिमला मिर्चा, प्याज, भून लेते हैं। उसके बाद आलू डाल देंगे, उसके बाद सोयाबीन, और इसे हम 5 मिनट धीमी फ्लेम पर भूनेंगे। मिनट हो गया, इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और गरम मसाला, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम 5 मिनट के लिए इसे पर ढक कर भूनेंगे। सब्जी भुना गया, 5 मिनट हो गए भी गया, और उसके बाद हम चावल डाल देंगे। इसे भी हम चला लेते हैं। और इसी गिलास से हमने चावल एक गिलास नापा है, इसी गिलास से हम 1.25 गिलास पानी डालेंगे। और एक सीटी में गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम सीटी इसका लगा देते हैं। एक सीटी दे दिया, गैस बंद करते हैं और 2 मिनट सीटी निकलने की इंतजार करेंगे। हम गैस का ढक्कन खोल देते हैं। देखिए तहरी बनकर तैयार हुआ, एकदम खिला खिला। अब इसे हम आप लोग के साथ सर्व कर देते हैं। एकदम खिला खिला ये तहरी बनकर तैयार हुआ।
इसे आप लोग भी बनाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।